नमस्कार, प्रभात क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम मादा जनन तंत्र फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अध्ययन करेंगे। तो पहले अपन देख लेते हैं कि प्यूबर्टी क्या होती है। प्यूबर्टी, जिसके अंदर लैंगिक व्यस्तता आती है, जो गर्ल्स होती हैं उसमें 12 से 14 साल की उम्र होती है उसके अंदर आ जाती है, और जो बॉयज होते हैं उनमें 14 से 16 साल की उम्र में प्यूबर्टी आ जाती है। तो प्यूबर्टी को अध्ययन करने के लिए हमने 6 पैरामीटर लिए हैं कि 6 पैरामीटर पर क्या क्या प्यूबर्टी होती है। तो पहला है गोनेडल। बॉयज के अंदर देखते हैं तो इसके अंदर जो वर्षम कोष है उसकी आकार है वो बढ़ जाता है, एवं शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस प्रारंभ हो जाता है। गर्ल्स के अंदर देखें तो ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है, अंडोस्रक शुरू हो जाता है, एवं मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टार्ट हो जाता है। सेकंड है सहायक जननांग, एसेसरी रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है उसको देखते हैं। बॉयज के अंदर पेनिस है उसकी साइज बढ़ जाती है, और प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसाइकल, और जो आपका बल्बो यूरिट्रल ग्लैंड है उसके अंदर मास में क्या होती है, वृद्धि होती है। और गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स के अंदर जो वेजाइना है, योनि है, उसकी साइज बढ़ना, उसके बाद में जो यूट्रस है, गर्भाशय है, उसके अंदर जो स्त्रावी प्रकृति है उसका बढ़ना, सीक्रेटरी नेचर का बढ़ना। थर्ड आता है हेयर्स एंड वॉइस, जो शरीर पर बाल है और जो अपनी आवाज है उसको देखते हैं। तो बॉयज के अंदर जो बाल है, मुंह पे दाढ़ी आना, बगलों में बाल आना, जो लोअर एब्डोमेन पार्ट है उसमें भी बाल आना, और उनकी वॉइस की बात करें तो उनकी जो वॉइस होती है वो होती है आपकी लो पिच की। क्या होती है? लो पिच की वॉइस होती है। और गर्ल्स के अंदर बात करें तो गर्ल्स के अंदर मुंह पे बाल नहीं होंगे, आपके बगलों में बाल होंगे, लेकिन जो चेस्ट है, छाती है और एब्डोमेन पर, उस पर बाल नहीं होते हैं, लोअर एब्डोमेन पर आपके बाल होते हैं। फोर्थ है सोमेटिक काइक, बॉयज के अंदर जो स्कल्टल है, कंकाल है, उसके अंदर क्या होती है, आपकी ग्रोथ होती है, एवं मस्कुलर उसके अंदर मास में वृद्धि होती है, बल्कि हो जाता है, ठीक है। और गर्ल्स की बात करें तो उसके अंदर जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है, आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस या पेल्विक गर्डल है, पेल्विक गर्डल के अंदर क्या होती है, उसकी चौड़ाई बढ़ती है। और फिफ्थ है आपका साइकोलॉजिकली, देखते हैं साइकोलॉजिकली क्या होता है, यानी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्यूबर्टी क्या होती है। तो बॉयज के अंदर बॉयज अट्रैक्ट फॉर गर्ल्स बिगन, यानी जो बॉयज होते हैं वो गर्ल्स के लिए क्या होना शुरू हो जाते हैं, आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं इस उम्र के अंदर, प्यूबर्टी एज के अंदर। और जो गर्ल्स होती हैं बॉयज के लिए क्या हो जाती है, अट्रैक्शन, आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। सिक्स पार्ट है हार्मोनल, कौन कौन से हार्मोन आते हैं, तो इसके अंदर जो बॉयज होते हैं टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन, FSH, LS, ये जो हार्मोन है स्टार्ट हो जाते हैं। गर्ल्स के अंदर आपका FSH, LS, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सभी हार्मोन है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये था आपका प्यूबर्टी के बारे में बताया था, प्यूबर्टी 6 पैरामीटर को अपन ने अध्ययन किया है, जो इनका मूवमेंट ऐसे होता रहता है। तो जैसी एग आया, जैसी अंडा आया, सेकेंडरी ओओसाइट उसको क्या करती है, कलेक्ट करके जो फेलोपियन नलिका है उसके अंदर ले जाती है। जैसे यहाँ पर ये अंडा इसके अंदर है, यहाँ पार आएगा तो ये इसको कैच कर लेगी, कैच करके यहाँ पर ले आएगी। तो अंडा है वो सीधा कहाँ गया, सिलोम के अंदर गया, तो इसलिए जो मनुष्य होते हैं उनके अंडे को क्या कहते हैं, सिलोमिक एग भी कहते हैं। तो ये रीजन कहलाता है आपका फंडस, क्या कहलाता है, फंडस, जो मोस्टली जाइगोट होते हैं या मोरूला होता है वो यहाँ पर इम्प्लांट होता है, ठीक है। और ये आपका कहलाता है सर्विक्स गिरवा, ये उसका बड़ा पार्ट है, ये छोटा है, XOS एंड INOX होता है। और ये कहलाता आपका योनि या वेजाइना, और इसके अंदर ये जो ग्रीन के अंदर दिखाई दे रहा है ये है आपका बार्थोलिन ग्रंथि, बार्थोलिन ग्रंथि, ठीक है। और ये कहलाता है आपका हाइमन, हाइमन ये योनि छद, योनि आशय, ठीक है।
तो हाइमन क्या होता है? हाइमन एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वो पहले मैथुन के दौरान टूट जाती है, यानी फर्स्ट कोपुलेशन के दौरान ये टूट जाती है। और किसी किसी में जो गर्ल्स होती हैं, आपके तेज दौड़ने से या तेज धक्का लगने से, साइकिलिंग करने से, घोड़े पे चढ़ने से, या किसी सक्रिय आपके खेल में भागीदारी लेने से भी ये टूट जाती हैं। तो इसीलिए इसको जो सही सूचक नहीं माना जाना चाहिए, किसका? वर्जिनिटी या क्रोमारे का सही इसका सूचक नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट के दौरान टूट जाती है कोपुलेशन के दौरान। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ये कई मैथुनों के बाद भी ये उपस्थित रहती है, तो इसको सही अपन सूचक नहीं मान सकते वर्जिनिटी का, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो 9 महीने के लिए फीटस है आरोपित हो जाता है, और जैसे ही 9 महीने पूरे होते हैं तो वो बाहर आता है, तो बाहर कहाँ से आएगा? यहाँ से होता हुआ ही आएगा। तो जो योनि एवं गिरवा है उन दोनों को क्या कहते हैं? बर्थ कैनाल बोलते हैं, जन्म नाल बोलते हैं। आपका गिरवा प्लस योनि, इसको बोलते हैं आपके बर्थ कैनाल या जन्म नाल, ठीक है। आपको याद रखना है कि बर्थ कैनाल किसको बोलते हैं? गिरवा प्लस योनि को बोलते हैं। तो ये आपको नॉर्मल चीजें याद रखनी है। तो अब अपन देखेंगे जो वल्वा है उसके स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं। अब अपन वल्वा को देखते हैं। वल्वा क्या होता है? मादा के बाह्य जननांग, जिसको अपन मादा के अंदर जो जननांग है उसको बाहरी रूप से देख सकते हैं, उसे बोलते हैं वल्वा। तो ये आपको एक सेक्शन मैंने काट के दिखाया है, ये है आपके पैर, ठीक है, ये है आपका गुद्दा या एनस, ठीक है, और ये दिखाई दे रहा है आपको, इसके ऊपर क्या है? बाल है, हेयर्स है या बाल। और जो आपको यहाँ पर कुछ वशीय गद्यनुमा संरचना दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस या मॉन्स वेनेरिस। क्या बोलते हैं? मॉन्स प्यूबिस या मॉन्स वेनेरिस, जिसके अंदर वशीय उत्कों की गद्यनुमा संरचना होती है, ठीक है। अब अपन इस योनि वाले पार्ट के अंदर जाते हैं। तो जो आपको बाहर की ओर बड़ा कर्वेचर दिखाई दे रहा है, आपको बड़ा सा वशी उत्कों का बना हुआ दिखाई दे रहा है, उसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा या लघु गंगोष्ठ। क्या है? आपका दीर्घ गंगोष्ठ, सॉरी दीर्घ गंगोष्ठ, ठीक है। और जो अंदर की ओर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये है आपका लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनर या लघु गंगोष्ठ। आपको इंग्लिश भी याद रखते हैं इसकी, ठीक है। और ये है आपका मूत्र या यूरेथ्रा है, जिसके अंदर से आपके जो मूत्राशय है वहां से क्या आता है? मूत्र आता है, ठीक है। यहाँ से आपकी मूत्र ओपनिंग है, यूरेथ्रल ओपनिंग है। और दो आपको नीचे की ओर और दिखाई दे रहे हैं, ये ग्रंथि है, इसको बोलते हैं पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड ऑफ स्किनी, स्किनी की पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। और यहाँ पर आपको हाइमन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर दो डॉट है, ये है आपके बार्थोलिक ग्रंथि, ठीक है। हाइमन है, ये है आपका हाइमन, यह योनि अक्षर, इसको हिंदी में भी ऐसे बोलते हैं। और ये है आपकी बार्थोलिन ग्रंथि, बार्थोलिन ग्रंथि, और ये है आपका फोरचीट, इसको क्या बोलते हैं? फोरचीट, क्या बोलते हैं? फोरचीट बोलते हैं। इसका काम क्या है? जैसे आपके प्रसव के दौरान या डिलीवरी के दौरान बच्चा बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो इसको डॉक्टर यहाँ से इसको कट करके जो योनि है उसकी साइज को बढ़ाते हैं। और ये आपको दिखाई दे रहा है, आपके अंगुली नुमा संरचना दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं क्लाइटोरिस। क्या बोलते हैं? क्लाइटोरिस, जो होमोलोगस होता है, होमोलोगस में आगे बताऊंगा आपको, होमोलोगस होता है पेनिस के, जो मेल में पेनिस होता है उसके क्या आता है? होमोलोगस, यहाँ पर वेस्टिजियल फॉर्म में है, तो इसे बोलते हैं क्लाइटोरिस। क्या बोलते हैं? क्लाइटोरिस।
ठीक है। और यहाँ पर जो स्पेस खाली दिखाई दे रहा है एनस और वेजाइना के बीच, एनस गुद्दा और योनि के बीच, इसे बोलते हैं आपके पेरिनियल स्पेस बोलते हैं। अपन में यहाँ पर जो मनुष्य होते हैं यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी ग्रंथि नहीं होती है, लेकिन जो खरगोश होते हैं, रेबिट होते हैं, उनमें ग्रंथि पाई जाती है। वो वहाँ से ग्रंथि से एक पदार्थ स्रावित होता है जिसे बोलते हैं फीरोमोन, फीरो हार्मोन या एक्टो हार्मोन बोलते हैं, फीरोमोन या एक्टो हार्मोन बोलते हैं। उसका कार्य क्या होता है, जैसे ही आपके मैथुन की इच्छा जागृत होती है तो जो मेल एंड फीमेल दोनों ही क्या करते हैं, इस हार्मोन का सीक्रेट करते हैं, जिससे दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। यहाँ पर जो मनुष्य होते हैं यहाँ पर किसी भी प्रकार की ग्रंथि नहीं पाई जाती है। और यहाँ पर एक देखा होगा आपको, यहाँ पर लेबिया माइनोरा है, लघु भगोष्ठ है, तो इसकी दोनों जो रेखाएं हैं एक दूसरे की ओर ऊपर की ओर मिल रही हैं, लेकिन जो लेबिया मेजोरा है उसमें दोनों नहीं मिल रही। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो लेबिया माइनोरा है क्या दोनों की ओर टच होता है या नहीं होता है, तो कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है लेबिया माइनोरा होता है, वो टच होता है। और एक आपको क्लाइटोरिस का याद रखना है, फोरचिट का याद रखना है। यहाँ पर है आपके, ये है आप, इसका नाम है पैरा यूरेथल ग्लैंड ऑफ स्किन, ठीक है। तो ये आपका जो वल्वा है बाहर की ओर देख सकते हैं जो स्ट्रक्चर है, तो इसको मैंने बनाया है। अब अपन देखेंगे जो स्तनधारी होते हैं उनमें पाई जाती है स्तन ग्रंथियां, मेमरी ग्लैंड पाई जाती है। अब अपन स्तन ग्रंथि के बारे में देखते हैं, मेमरी ग्लैंड के बारे में देखते हैं। तो मेमरी ग्लैंड होती है वो स्तनधारियों का क्या है, लाक्षणिक गुण है। और जो स्तन ग्रंथि है वो द्वितीय लैंगिक लक्षण है, द्वितीय लैंगिक अंग नहीं है, द्वितीय लैंगिक लक्षण है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन नहीं है। तो मैंने जो फर्स्ट ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाया था तो उसमें प्राइमरी और द्वितीयक लैंगिक अंगों के बारे में बताया था। तो ये है आपका द्वितीय लैंगिक अंग नहीं है, द्वितीय लैंगिक लक्षण है। अब इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये मैंने एक उसका डायग्राम बनाया है, क्रॉस सेक्शन करके उसका डायग्राम बनाया है। तो यहाँ पर जो आपको रेड कलर में दिख रही है ये है आपकी रिब्स, ये क्या है, डॉट के अंदर क्या है, रिब्स यानी पसलियाँ। तो अपन के यहाँ पर पसली होती है, तो यहाँ पर ये होती है और यहाँ पर पसली होती है पीछे, इसे बोलते हैं इंटरकोस्टल। और ये है आपकी पेशी, इसका नाम है आपके पेक्टोरेलिस मेजर पेशी, क्या नाम है, पेक्टो रेलिस मेजर पेशी, ठीक है, मसल। उसके बाद इसके अंदर की ओर चलते हैं, तो ये पहले इसकी जो लाइन है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एरियोलर टिश्यू मिलेगा, वायवीय ऊतक मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके मेमरी लोब्यूल दिख रहे होंगे, जो मेमरी पिंड है, स्तनीय पिंड दिखाई दे रहे हैं। इनकी कभी कभार क्या पूछ लेते हैं, संख्या भी पूछ लेते, तो संख्या होती है इनकी 15 से 20। एक जो स्तन ग्रंथि होती है उनके अंदर कितने होते हैं, 15 से 20 होते हैं। कभी कभार एग्जाम में क्या पूछ लेते हैं कि जो एक महिला के अंदर कुल कितनी मेमरी लोब्यूल होते हैं, तो कुल पूछा है, तो दोनों आपके जो मेमरी ग्लैंड है वो काउंट होगी, तो कुल पूछ लिया जाए, टोटल पूछ लिया जाए, तो टोटल कितना होगा, इसका डबल कर दो 30 से 40, तो ये आपको भी याद रखना है, ठीक है। और ये है आपकी एलुलाई, क्या है, एलुलाई या कुपिका। तो कुपिका एक जो श्वसन तंत्र है उसके लंग्स में भी पाई जाती है, यहाँ भी एक कुपिका है जिसके अंदर किसका निर्माण होगा, दूध का निर्माण होगा। तो छोटे बच्चे होते जैसे जन्म होता है उसके बाद जो दूध निकलता है तो एलुलाई होती है, इसके अंदर क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद दूध होता है वो एम्पुला के अंदर जाके क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। ये एम्पुले है जहां पर क्या हो रहा है, दूध इकट्ठा हो गया, ठीक है। तो इस नलिका का नाम है आपका मेमरी डक्ट, ये है आपका एम्पुला जहां दूध का क्या हो रहा है, संग्रहण हो रहा है, क्या हो रहा है, मिल्क का, दूध का क्या हो रहा है, संग्रहण, ठीक है। उसके बाद लैक्टिफेरस डक्ट से होते हुए बाहर की ओर चला जाता है, इसका नाम है आपका, बाहर की ओर ऐसी उंगली नुमा संरचना दिखाई देती है, उसका नाम है निप्पल, ठीक है। और इसके पास की ओर काला काला एक ऐसी संरचना भी होती है, ठीक है। यह है निप्पल, जहाँ से जो
बच्चा होता है इसको पकड़ के क्या है दूध को सक करना होता है, ये है यहाँ पर निप्पल, जहाँ से क्या आता है मिल्क बाद की ओर आता है। एक चीज आपको आपने याद रखनी है कि मेमरी लोब्यूल की संख्या कितनी होती है। उसके बाद जो दुग्ध है वो कहाँ से, उसका पाथवे क्या है, तो पाथवे आपको याद रखना है मेमरी लोब्यूल से मेमरी डक्ट में जाएगा, मेमरी डक्ट से एम्पुला में जाएगा, एम्पुला से जो लैक्टिफेरस डक्ट है उसमें जाएगा, उसके बाद में किसमें जाएगा निप्पल में जाएगा, उसके बाद में बाहर की ओर आएगा। और यहाँ पर कुपस लिगामेंट्स भी होते हैं, आपको याद रखना है कि कुपस लिगामेंट पूछ लिया जाए कि कुपस लिगामेंट कहाँ पर पाए जाते हैं, तो कहाँ पर पाए जाते हैं आपकी जो स्तन ग्रंथि होती है वहाँ पर पाए जाते हैं कुपस लिगामेंट। ठीक है, तो ये था आपका। जैसे ही किसी महिला का प्रसव होता है उसके बाद डॉक्टर सलाह देते हैं कि जो बच्चा जन्मा है उसको 6 महीने तक माता का दूध ही पिलाना चाहिए, तो प्रसव के तुरंत बाद पहला दूध होता है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम या खींच। क्या बोलते हैं, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, उसे बोलते हैं कोलेस्ट्रम या खींच। क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम या खींच। इसके अंदर पीला दूध होता है और इसके अंदर एक एंटीबॉडी होती है, एक प्रतिरक्षी होती है जिसका नाम है IgA नाम की जो एंटीबॉडी होती है वो इसके अंदर होती है। तो डायरेक्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि जो पहला दुग्ध है उसको बोलते हैं आपके कोलेस्ट्रम या खींच, और उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी होती है, वो होती है IgA, जो बहुत सारे रोगों से क्या करती है लड़ने से आपको बचाती हैं, उसके बाद से बहुत सारे रोग आते हैं उसको बचाती हैं। जैसे कोई बच्चा है तो उसने माँ का दूध नहीं पिया तो उसके अंदर IgA एंटीबॉडी नहीं जाएगी, तो उसके अंदर प्रतिरक्षा कम डेवलप होगा, और दिमाग और शरीर के सही विकास के लिए माँ का दूध बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तो कहा जाता है कि माँ का दूध सबसे ऊपर की ओर मतलब गुणाकारी होता है, सबसे पौष्टिक आहार माना जाता है माँ का दूध। तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि बच्चे को कम से कम 6 महीने तक इसको दुग्धपान कराना चाहिए। ठीक है, तो दुग्धपान कराना चाहिए, जो उसके बाद में जैसे प्रसव होता है तो उसकी साइज भी बढ़ जाती है, तो थोड़ा बहुत क्या हो जाती है साइज बढ़ जाती है, इसके अंदर एलुलाई होती है वो ज़्यादा डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो मेमरी ग्रंथि है और इसके बारे में आपको कोलेस्ट्रम क्या होता है इसके बारे में याद रखना है, और कौन सी एंटीबॉडी होती है ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये थी स्तन ग्रंथि। तो मैंने एक पहले चीज बताई थी होमोलोगस ऑर्गन, समझात अंग क्या 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 होते हैं, तो अब अपन पढ़ेंगे कि समझात अंग क्या होते हैं। तो अब अपन देखते हैं कि होमोलोगस ऑर्गन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव या मेल रिप्रोडक्टिव है उनके अंदर क्या होमोलोगस ऑर्गन पाए जाते हैं, 5 होमोलोगस ऑर्गन की अपन अध्ययन करेंगे। समझात अंग क्या होते हैं पहले देखते हैं। समझात अंग उस अंग को कहते हैं जिसकी उत्पत्ति या ओरिजिन क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, उत्पत्ति या ओरिजिन तो समान होनी चाहिए, लेकिन उसके कार्य या फंक्शन समान भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं, मे बी सेम एंड डिफरेंट, समान भी हो सकते हैं या भिन्न भी हो सकते हैं, समान या भिन्न भी हो सकते हैं, उसे बोलते हैं समझात अंग बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, समझात अंग बोलते हैं। तो अपन जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव और सिस्टम है उनके अंदर कौन कौन से समझात अंग है, तो 5 समझात अंग है उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, पहला आता है आपका स्क्रोटल सैक या वसन कोश। क्या आता है, वसन कोश या स्क्रोटल सैक। अभी मैंने यहाँ पर बलवा पढ़ाते वक्त एक संरचना बताई थी लेबिया मेजोरा या वृद्ध भंगोष्ठ या दीर्घ भंगोष्ठ या लेबिया मेजोरा के क्या है ये समझात है। तो वहां पर एक वैश्य ऊतकों की गद्दीनुमा या ऊतकों की बनी हुई संरचना दिखाई दे रही थी मोटी, उसको बोलते हैं आपके वृद्ध भंगोष्ठ। जो आपके वसन होते हैं बार की और कमरी, तो उनकी जो ओरिजिन और फंक्शन भी लगभग क्या होते हैं, समान होते हैं। दूसरा है आपका जो मेल में है पेनिसिसन, वो होमोलोगस होता है। मैंने यहाँ पर एक अंगुली नुमा संरचना बताई थी जिसका नाम था क्लाइटोरिस,
तो क्लाइटोरिस का काम क्या है, जो आपके पेनिस है और क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस जो फीमेल के अंदर क्या है, इरेक्टाइल टिश्यू होता है, क्या होता है, इरेक्टाइल टिश्यू होता है, उत्तेजना प्रदान करता है। थर्ड में आपका मेल के अंदर आती है प्रोस्टेट ग्लैंड, क्या आती है, प्रोस्टेट ग्रंथि आती है। तो फीमेल के अंदर जो आपकी ग्रंथि होती है जिसका नाम है आपका पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड ऑफ स्किन, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड ऑफ स्किन, स्किन की जो पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड है उसकी क्या होती है, ये समझार होती है। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट आता है आपका नर के अंदर होती है काउपर ग्रंथि, ठीक है, काउपर ग्लैंड आती है जो किसके होमोलोगस है, वास्तुलिन ग्रंथि के, किसके होमोलोगस है। एक आता है आपका प्रोस्टेटिक यूट्रिकल, प्रोस्टेटिक यूट्रिकल है वो होता है होमोलोगस वेजाइना के, जो योनि होती है उसके होमोलोगस कौन होता है, जो मेल के अंदर होता है प्रोस्टेटिक यूट्रिकल। तो ये पांच चीजें हैं जो एक दूसरे के क्या है, होमोलोगस है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत, हमने उसकी संरचना स्तन ग्रंथि वल्वा का अध्ययन किया है। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।